नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज ट्विटर पर नंबर एक पर देश के बेरोजगार ट्रेंड कर रहे हैं और इन बेरोजगारों को ट्रेंड करवाने का मौका दिया है मोदी जी ने। रेलवे में 6 साल बाद भर्ती आई है, ये सुन के आप भी बड़े खुश हुए होंगे, 6 साल बाद भर्ती आई। लेकिन इस भर्ती के बाद हालत वही है जैसे जख्म को कुरेद दिया, उस पर नमक रगड़ दिया जाए। जब तक जख्म कुरेदा नहीं जाता है दर्द कम, लेकिन जख्मों को कुरेद देने पर दर्द बेइंतहा बढ़ जाता है। और कुरेदने के बाद अगर नमक रगड़ दिया जाए तो बिल्कुल नमक रगड़ने जैसी हालत कर दी है मोदी सरकार। 4 लाख ट्वीट हो चुके हैं। क्या है ये पूरा मसला? छात्रों के हित में जैसे ही ये मामला सामने आया, अशोक वानखेड़े जी ने तत्काल कहा कि इस शो को हम जरूर करेंगे क्योंकि यहां पर लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल और उनके हक में आवाज बुलंद करेंगे। जो भी सरकार की पॉलिसीज है, इसके पीछे प्राइवेटाइजेशन का खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है उस पर हम चर्चा करें। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं भाऊ, उत्तर प्रदेश बिहार बेरोजगारों पर लाठियां चलते तो आपने खूब देखी, लेकिन आज जो जख्मों को कुरेदने का काम किया है ये बड़ा अजीब सा वक्त है। एक तरफ पूरा राममय माहौल है, क्या ऐसा एक गलती हो गई मोदी सरकार से? मोदी को लगा था कि युवा इस देश में राम धुन में लगा होगा, राम नाम जप रहा होगा, उसी बीच में खेल हो जाएगा। इस खेल का असर हम ये भी कहेंगे कि हमने रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां, पूरा का पूरा मामला पलट गया। लग रहा है राम ही नाराज है, राम ने पूरा मोदी जी खेल समझ लिया। लगातार पिछले कुछ दिन से जो हो रहा है, मोदी जो कदम बढ़ाते हैं उल्टा फंस जाते हैं, आत्मघाती कदम साबित हो जाते हैं। अब रेलवे की भर्ती, इस भर्ती पर आप क्या बोलेंगे? 2014 में जब मोदी जी आए थे तो साल में 5 करोड़ जॉब देने की बात की थी उन्होंने, 5 करोड़ नौकरियां, देश ने विश्वास रखा। एक सुशासन राम राज्य देने की बात कही, देश ने विश्वास रखा। उन्हें यह कहा था कि एक नया विकसित मॉडल होगा, देश का विकास होगा, 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, लोगों ने विश्वास रखा। ये लोग इस देश के विश्वास रखते हैं, कभी किसी को नकारते नहीं। उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, लोगों ने दिए। फिर कहा कि ये 60 साल कम हो गए, 60 महीने कम हो गए, मुझे और समय चाहिए, और लोगों ने दिया। अब 10 साल हो गए। अब पता पड़ा कि ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। जब रोजगारों पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई और जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने पकौड़ा तलने वालों को भी रोजगार कहा, तो फिर इस देश में तो बेरोजगारी है ही नहीं। जो बेरोजगार नहीं वो भीख मांग रहे होंगे, तो भी कमा तो रहे ही है भीख मांग के, तो रोजगार तो हो ही गया। रेलवे इस देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और था। आर्मी, सैन्य सेवाएं, ये बहुत दूसरा एम्प्लॉयर था बड़ा। वहां अग्निवीरों को लाके और पेंशन खत्म करके जो आघात किया उससे अभी देश उभरा ही नहीं। तो फिर 2018 में रेलवे ने नौकरियां निकली थी ऐसा सुना था, सुना इसलिए था कि उसको अब करीब करीब 6-7-8 साल हो गए। 2018 में 2019 के चुनाव थे तो 63,000 वैकेंसीज रेलवे ने निकाली थी। अब 2024 में है, लेकिन वैकेंसी जो निकली है इतने सालों बाद, 2018 के बाद 2019 में 0, 20 में 0, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 0 और 24 में अब जनवरी में 5,696 यानी 5,700 वैकेंसी निकली है लोको ड्राइवर की, ट्रेन ड्राइवर की, और लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। लोग इस बहाने ही इंतजार कर रहे थे कि चलो चुनाव, चुनाव के पहले ही चुनावी शगुफा समझ के कुछ तो भर्तियां निकलेगी,
लेकिन कहां 63,000 और कहां 5,700। आज इस देश का वाकई युवा हतोत्साहित हुआ है। ये 5,700 वैकेंसी तब निकली आशीष जी जब रेलवे में 3.5 लाख पद खाली है, 3.5 में से 50 भी नहीं निकाल रहे हैं। तो रेलवे क्या भगवान भरोसे चल रही है? नहीं, रेलवे ठेकेदारों के भरोसे चल रही है। क्या रेलवे का निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है? प्राइवेट सेक्टर इतने सारे एम्प्लॉयज के बोझ के साथ रेलवे लेना नहीं चाहते, इसलिए जो रिटायर्ड हो रहे हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके जगह नई नियुक्तियां नहीं हो रही है, वैकेंसीज बढ़ रही है। और जब कम मैन पावर रहेगा तो फिर ये रेलवे दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, जो जगह जगह पे रेलवे का प्राइवेट सेक्टर का अभी चल रहा है। रेलवे इसी बीच में रेलवे की वैकेंसीज बढ़ी, रेलवे में लोग कम है, लोग कम होते जा रहे हैं, वैकेंसी बढ़ रही है और ट्रेनें बढ़ रही है। प्रधानमंत्री एक एक दिन में दो दो तीन तीन जगह ट्रेनें दिखा रहे हैं। 13,523 ट्रेनें वर्तमान ऑपरेट कर रही है। और मुझे लगता है चित्रांग जी, विवेक कुमार जी आए हैं आज पहली बार, और वो एक शख्स है, मुझे लगता है कि इस मामले में आपसे और मुझसे युवाओं की पीड़ा वो जानते हैं, बेरोजगारों की पीड़ा वो जानते हैं, क्योंकि इस विधि के वो एक्सपर्ट है। तो हम उनके जुड़ने के इंतजार कर रहे थे और अब वो जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप यदि उनके पास ले जाए तो इस चीज पे और ज्यादा प्रकाश अच्छी तरह से आ सकता है। विवेक जी, सीधे अब आपके ही हवाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार। तो सर, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी जो मुद्दा है वो है कि जो आरआरबी एएलपी है, जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो ट्रेन का संचालन करते हैं, ड्राइवर जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से, तो इसमें जो वैकेंसी है वो 5,696 आई है। और ये एकदम सभी स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए एकदम शॉकिंग है कि एक तो 6 साल बाद आप वैकेंसी दे रहे हो और उसमें भी इतना ज्यादा, जहां गतिविधि बढ़ रही है, आप कई हजार ट्रेनें चलाना चाह रहे हो और वहां आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे, तो मतलब ये एकदम सरकार की जो मंशा है कि हम आपको रोजगार देंगे, सरकार की जो मंशा है कि हम युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा मतलब युवा एकदम उनके समर्थन करते हैं युवाओं का, तो वो कहीं से भी इनकी मंशा और ये जो कर रहे हैं उनमें कहीं भी कोई मैच नहीं कर रहा। तो एक समय उबाल है बच्चे के अंदर इतना ज्यादा, बार बार वो लोग सर ये कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा भाई ये सब कुछ नहीं करना, अभी सोशल मीडिया है, ट्विटर है, सभी लोग उसका फायदा उठाइए। तो इस समय सर मतलब एकदम अंधकार में हो गया युवा, उसको कुछ नहीं दिख रहा। अगर वो अपनी बात कहता है तो उसको गलत कहने लगते हैं कि सरकारी नौकरी चाह रहा है, आराम करना चाह रहा है, जबकि सरकारी नौकरी आज आराम की नौकरी नहीं है, उनमें भी बहुत काम करना पड़ता है इंसान को। अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति जाता है, एग्जाम निकाल के जाता है। तो इस समय मतलब बच्चे के सामने कोई, एक तो क्या है कि युवा का कोई ऐसा कोई संगठन नहीं है, जैसे ये ट्रक यूनियन थी, उन्होंने अपने ट्रक रोड पे खड़े कर दिए, अपनी बात मनवा ली, युवा के लिए कोई है ही नहीं। उसको तुरंत एंटी नेशनल बता देगा अगर वो कुछ अपना किसी तरह से कोई अपना वो कहीं पे विरोध प्रदर्शन करेगा। तो मतलब युवा इस समय बहुत परेशान है, जैसे हम तो उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो इतना ज्यादा परेशान है, वो हमें भी मतलब अब्यूज कर रहा है कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं, भाई हम लोग हमारी कोई पावर ही नहीं है, हम लोग तो नॉर्मल व्यक्ति है, सबकी तरह पढ़ाते हैं अपना जो। तो इस समय मतलब कुछ समझ से बाहर है तरीके कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात की सर, अभी एक लेटर वायरल हो रहा है, आप देखेंगे जो ये रेलवे की लोको पायलट एसोसिएशन, उसका कहना है कि दिसंबर तक ही लोको पायलट की 16,000 प्लस वैकेंसीज है, और उसमें भी अभी जो ये क्रू रिव्यू होता है कि हर एक जोन में कितना क्रू है, उसका रिव्यू नहीं किया है। तो उनके अनुसार ये है कि अगर वो क्रू रिव्यू होता है तो कम से कम वैकेंसी 25,000-30,000 निकलेगी रेलवे में, निकाली 5,000 है, इसका मतलब 16,000 ऑलरेडी होते हुए रेलवे एक तरीके से बेवकूफ बना रही है। ये है प्रेजेंट सिचुएशन सर। मुझे लगता है विवेक जी, आप ये ना कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप टीचर हैं और शिक्षकों ने क्रांति की है, इस देश का इतिहास है, चाणक्य शिक्षक ही थे, उन्होंने क्रांति की है और आपसे क्रांति की अपेक्षा है। हम पत्रकार हैं, हमारा रोल आपसे भी नीचे है, आप शिक्षित करते हैं युवाओं को, आपने बहुत बड़ी बात कह दी आज कि हमें सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, हम रास्ते पे नहीं उतरेंगे, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या रहा विवेक जी, यदि पहले क्या होता था कि एक प्री देव, एक उसके बाद मेंस आती थी और इंट्री होता था और नौकरी मिलती थी,
अभी कितनी कैटेगरी होगी? 8 कैटेगरी में यूआर लड़ता है। वर्तमान में यदि देखा जाए 2014 के बाद ये लगातार हर राज्य में या कोई किसी की भी सरकार हो, पहले वो प्री देता है, फिर वो मेंस देता है, फिर वो इंटरव्यू देता है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर के लिए धरना देता है। धरने पे जब कुछ नहीं होता तो लाठीचार्ज का एक नया सेक्टर आता है, और लाठीचार्ज के बाद फिर हाईकोर्ट जाना पड़ता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय इस कांड में सीबीआई इंक्वायरी नियुक्त करती है, और जब सीबीआई के नतीजे आते हैं तब तक वो युवा बूढ़ा हो जाता है। मतलब आज के डेट में पढ़ेगा युवा, फिर लड़ेगा युवा, और उससे जात उसमें से बच गया तो फिर नौकरी करेगा युवा। ये जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है, अभी इतने लाख रोजगार देंगे, इतने लाख ये करेंगे, हर युवा आप इमेजिन करिए 6 साल से जो रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहा होगा उसकी उम्र के 6 साल निकल गए। 6 साल एक युवाओं की उम्र में बहुत बड़ा टाइम होता है, वो नेशन बिल्डिंग का टाइम है। हम मात्र ये कह के, प्रधानमंत्री ये कह के नहीं छूट सकते कि हमारा युवा नेशन है, विश्व में हम युवा है। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, आपके भरोसे मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपके भरोसे युवा, आपके भरोसे है प्रधानमंत्री जी, युवा आपके उस विश्वास पे है कि 5 करोड़ जॉब आएंगे 1 साल, युवा आप उस भरोसे है कि आपने कहा कि सरकारी भर्तियां हो जाएगी, हो जाएगी। जो सरकारी में लोग थे, आपने, मैंने कहा कि जैसा अभी जिक्र किया कि जो सैन्य रेलवे के बाद एक आर्मी एक सेक्टर था जहां बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता था, वह आपने एक नया सिस्टम लागू किया जो आर्मी के बड़े अधिकारी भी नहीं चाहते हुए आपने दादागिरी से उसको थोपा है उनपे अग्निवीर। आज वो सिस्टम भयावह है, अग्निवीर के रिप्लिकेशन क्या आएंगे भयावह है। अग्निवीर रिटायर्ड होने के बाद 5 साल बाद क्या करेगा? क्या वो एक गैंगस्टर ज्वाइन करेगा? क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा जो बाहुबली है, जो ट्रेंड हथियार चलाने वाले लोग मिलेंगे उसको? कई चीजें हैं। क्या वो किसी बैंक के बाहर गार्ड बन के रह जाएगा? उसका भविष्य क्या? आज के डेट में खुद का भविष्य संवारने में लगे हैं प्रधानमंत्री जी। 2024 में हम चुनाव कैसे जीतेंगे, जुगाड़ में लगे हैं प्रधानमंत्री जी। कभी राम के भरोसे तो कभी राम रहीम के भरोसे लगे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन इस देश के भविष्य का क्या चिंता किसको है? 2024 में चुनाव होंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2024 तक जो युवा 30 साल की उम्र पा जाएगा वो किसी लायक नहीं रहेगा। उसके लिए क्या आप दे रहे हैं? क्या उसके हाथ में तिरंगे की जगह भगवा देंगे? क्या उसके हाथ में त्रिशूल थमा देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो इस सरकार को देने होंगे। और युवा, आपने कहा युवा संगठित नहीं है, लेकिन इस देश में जब भी क्रांति हुई युवाओं ने क्रांति की है विवेक जी। चाहे जयप्रकाश नारायण हो, महात्मा गांधी हो, महात्मा गांधी के साथ ये युवा ही जुड़ा था। उस एक वृद्ध आदमी ने, कृष आदमी ने, जिसके ऊपर शरीर के ऊपर 2 कपड़े थे, उसने इस देश के युवाओं को, तरुणाई को, और जो आज जिसका हम नाम लेते हैं, जो उस जमाने के युवा थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, शास्त्री जी हो, पटेल हो, ये युवा थे जिन्होंने अपनी जिंदगी झोंक दी। तब उन्हें मालूम नहीं था कि अंग्रेज कब जाएंगे, तब उन्होंने अपने भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह था। जो लोग जयप्रकाश नारायण के साथ निकल गए उनके चेहरे पे प्रश्न चिन्ह था, उन्हें पता नहीं था इमरजेंसी कब खत्म होगी। आपातकाल 19 घंटे सब महीने के लिए आज हम कहते हैं, लेकिन आपातकाल के समय तो पता ही नहीं था कि चुनाव होंगे नहीं होंगे या सालों ऐसे चलेगा। लेकिन सब कुछ करते हुए, मालूम होते हुए, एक अनसर्टिनिटी होते हुए, यदि इस देश का युवा साथ में आया तो उस युवाओं को संगठित होना होगा, युवाओं को आवाज उठानी होगी। चलो सोशल मीडिया पे भी प्रेशर बनता है, युवाओं को सवाल उठाना होगा, हमें राम नहीं, हमें राम मंदिर भी चाहिए। राम मंदिर चाहिए तो राम मंदिर के साथ राम राज्य भी चाहिए, और राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, और कोई भूखा नहीं सोए इसलिए 5 किलो अनाज फ्री का नहीं चाहिए। इस देश का युवा भिखारी नहीं बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और उस करने के लिए उसको जगह नहीं है। आपको क्या लगता है, जब आप लगातार युवाओं के पीछे, लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, हमारा तो आपके द्वारा जो हम सुनते हैं, आपके YouTube पे हम देखते हैं, तब हमको पता पड़ता है कि इस युवाओं की दिशा क्या है। आपको क्या लगता है विवेक जी, इस स्थिति में युवा की मानसिकता क्या है? क्या वो सर, इस सरकार से खुश है, इस सरकार को सवाल पूछना चाहता है, चाहता क्या है युवा? सर वो तो सरकार से सवाल पूछना चाह रहा है, उसके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशन है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे मिडिल क्लास है, गरीब परिवार है, कैसे कैसे करके वो पढ़ाते हैं, छोटी मोटी अपनी 10th 12th कैसे कैसे पूरा करता है वो,
उसके बाद में फिर वो अपनी तैयारी करता है, उसको लगता है कि देखिए सर जो ये रेलवे वगैरह की जॉब होती है इनमें कोई नेताओं के या बड़े कोई, मैं कहता हूँ पार्षद भी होगा ना कोई, वो भी अपने बच्चे को नहीं भेजेगा, वो भी पैसा वैसा कमा के भ्रष्टाचार करके अपने बच्चे को विदेश भेजेगा। मैं ऐसे कितने पॉलिटिशियंस को जानता हूँ जिनका मतलब कोई ऐसा किसी का बच्चा होगा जो इंडिया है, विदेश में बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, कोई मॉर्गन स्टेनले में, कोई बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कोई बैंक ऑफ अमेरिका में। यहाँ गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माता पिताओं की आकांक्षा होती है, उनके एस्पिरेशंस होती है, मेरा बेटा बेटी कुछ करेगा, रेलवे में लग जाएगा, जीडी में लग जाएगा, पुलिस बन जाएगा, मेरा भी मान सम्मान बढ़ जाएगा, चार पैसे घर में आ जाएंगे, घर थोड़ा स्थिर हो जाएगा। अब माँ बाप सोच रहे, माँ बाप को तो नहीं पता ना कि सरकार क्या भर्ती नहीं ला रही, वो नहीं ला रही, कम ला रही, वो तो कह रहा कि तू लग नहीं रहा, तेरे बस की नहीं है। अब वो किसको समझाए, माँ बाप को घर को नहीं समझा पा रहा, बाहर निकल रहा है, समाज उसको ऐसी निगाह से देख रहा है कि ये बेकार है, कुछ नहीं कर पा रहा, सरकार क्या हालात जान ही रहे हैं, वो उसको कतई बिल्कुल सबसे नीचे सोच के चल रही है, तो होप ही नहीं है उसके पास। मतलब ऐसा हम भी इतने बड़े हो गए सर इतने दिनों में, मतलब ऐसी होपलेस सिचुएशन नहीं देखी कि होप ही ना हो, होप रहती थी कि चलो आएगी एक साल बाद आएगी, होप बहुत बड़ी चीज होती है, प्रेजेंट सिचुएशन ये होपलेस है एकदम। जब होपलेस व्यक्ति होता है तो वो क्या करेगा क्या नहीं सोचेगा आप नहीं समझ सकते, मतलब बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है। मैं आपका ध्यान सर 14 जून 2022 के प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर दिलाना चाहूंगा, आप खुद देख सकते हैं इंटरनेट पर, 14 जून 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां मिशन मोड में करेंगे, उन्होंने वैकेंसीज भी बताई रेलवे में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है मेरे सामने, रेलवे में 2.37 मतलब 2.25 लाख से अधिक वैकेंसी, 2.25 लाख से अधिक वैकेंसी, 14 जून 2022 का ट्वीट है सर। आज दिसंबर निकल गया, 1.5 साल की पूरी हो गई, जनवरी आ गई, 5,000 वैकेंसी निकाली, आप खुद देख लीजिए कि 2,37,000 वैकेंसी बताई है रेलवे में, 5,06,096 वैकेंसी इन्होंने दी है, मतलब 2,32,000 वैकेंसी निकल गई, बता भी नहीं रहे, ये है सरकार का सर रवैया। क्या आपको लगता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं सरकार, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का दबाव है कि यहाँ एम्प्लॉइज कम हो? सर मैं तो इस चीज को कम से कम 5 से 6 साल पहले से हम लोग रियलाइज करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब इसका रुझान है, वो तो थोड़ा सा क्या है, चुनाव वगैरह हर 5 साल बाद होते रहते हैं, अलग अलग राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट सोच नहीं पा मतलब उतना हार्ड डिसीजन ले नहीं पाती, क्योंकि अभी भी जो वोट तो देने गरीब ही जाएगा, मिडिल क्लास ही जाएगी, उसी की वोट से गवर्नमेंट बननी है। तो अगर वो उस सिचुएशन में हो गई कि हाँ मान लो कि मतलब उनको, तो वो फिर सबसे पहले निर्णय यही लेंगे, उनको पता है कि थोड़ा सा हेट आएगा, थोड़ा सा इससे रेसिस्टेंस आएगा, अगर वो अभी एक साथ कर देते हैं तो फेज वाइज कर रहे होंगे, तभी आप भर्ती नहीं कर रहे, अन्यथा इतनी ट्रेनें बढ़ा रहे हैं आप, 5,000 ट्रेनें नहीं चला रहे, 10,000 ट्रेनें नहीं चला रहे। मैं कह रहा हूँ सर कि उस एसोसिएशन कह रही है कि 12-12, 20-20 घंटे 10-10, 20-20 घंटे काम करना पड़ रहा है, छुट्टियां नहीं मिल रही, सेफ्टी वर्ड साफ लिखा उन्होंने कि जब आप इतना ज्यादा उनपे मतलब काम करा रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ से, उस पे इतना लोड है कि रेलवे की सेफ्टी को खतरा है, और आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ट्रेन कहीं से पटरी पर उतर जा रही है, कोई ट्रेन उस पे चढ़ जा रही है जंक्शन, उसके प्लेटफॉर्म पे जाके चढ़ जा रही है, मतलब रेल मंत्री मस्त है, जनता त्रस्त है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। भाऊ ये तस्वीर बहुत, ट्वीट भी खोल के रख दिया और वो याद आ गया मुझे जब मिशन मोड में 10 लाख रोजगार। विवेक कुमार जी ने मुझे ऐसा एक सब्जेक्ट छेड़ा है अभी, उन्होंने कहा कि होपलेस हो गए युवा। अभी आईसीडीएस ने एक सर्वे किया है अनएम्प्लॉयड यूथ का, उसमें सबसे ज्यादा मानसिक व्याधि से पीड़ित युवा हैं, नौकरी नहीं है और आगे भविष्य नहीं दिख रहा है, तो एक मनो रोग से व्यक्त मतलब साइकिक पीढ़ी हम पाल रहे हैं देश में। क्या आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद ये देश साइकिक पेशेंट का देश माना जाएगा? क्या करेगा युवा? सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाव, नेता का लड़का रेलवे में काम करते हुए नहीं देखा विवेक जी, बिल्कुल नहीं देखा। नेता के लड़के आईपीएस आईएएस होते हैं या बड़े बड़े बैंकों में कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े ओहदे पे रहते हैं या खुद के काम करते हैं बड़े बड़े,
सारे स्टार्टअप उनके नेता के बच्चों के ही मिलते हैं। रेलवे, पुलिस, ये जो तमाम जो है ये अपॉइंटमेंट, ये कौन करता है? ये लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, गरीब का सपना। एक आदि ये 12वीं पास जो फिल्म आई, ऐसा उदाहरण एक आदि है समाज में। एक आद आईएएस बन जाता है लाखों में से, लेकिन बड़ा कैनवास क्या कहता है? बड़ा कैनवास कहता है कि इन गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये जो बच्चे हैं, ये इन्हीं जॉब में अपनी जिंदगी और अपना भविष्य ढूंढते हैं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, कई बार मुझे लोग नास्तिक समझने लगेंगे यदि मैं जिस हिसाब से बोलूंगा। तो मुझे तो लगता है कि अभी क्या भगवान मंदिरों से गायब ही हो गए हैं, क्योंकि जिस तादाद में प्रधानमंत्री पिछले एक सप्ताह से मंदिर मंदिर जा रहे हैं, किसी तो मंदिर में, किसी तो भगवान ने प्रधानमंत्री जी को ये आशीर्वाद दिया होगा कि भैया थोड़ा दिमाग से बात कर ले तो प्रधानमंत्री, ये थोड़ा अपना काम कर ले, इस देश की लोगों की समस्याओं का ध्यान रख दे। कि प्रधानमंत्री को सिर्फ आशीर्वाद दे रहे कि 2024 में प्रधानमंत्री फिर बन के आओगे? सर मैं तो कहता हूँ भगवान, अगर आप भगवान इतने स्वार्थी नहीं है कि वैकेंसी वगैरह सब कुछ आप समय से अगर अपना पूरा कार्य करेंगे तो वो बिल्कुल बनिए। कोई किसी को कोई बढ़िया है, सब युवा वोट देता है, वो देखता है सब कुछ, उसके दिल में वो सब कुछ आता है, रिस्पेक्ट करता है उस चीज की। हाँ जी, हमारे लिए कोई हमारे हित में काम कर रहा है, हम उसको वोट देंगे, 100% देंगे। पर मतलब सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई इतनी वैकेंसी, जितनी कम से कम खाली है उतनी पोस्ट निकाल दो, हम आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। कम से कम थोड़ा उसको क्या होता है ना, होप तो दे दो कि हाँ भाई होप है। तो समझना चाहिए, मैं तो बस यही कहूंगा सर की अभी की सिचुएशन में तो भाव, ये 50 साल 100 साल लगातार सत्ता में रहने की बात करते हैं, क्या युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर करके, दिशाहीन करके, भविष्यहीन करके यही प्लान है क्या? ये भी प्लान ही हो सकता है कि दिशाहीन युवा होगा, भविष्य उसका कोई नहीं होगा, बुद्धि से वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुका होगा, जिधर हाँक दोगे हाँक दो, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दो। इस देश में अद्भुत देश है, इस देश में कांवरियों पर फूल बरसाया जाता है हेलीकॉप्टर से, और लाठी बरसाया जाता है बेरोजगारों से, बेरोजगारों की पीठ पर। नौकरी मांगने आते हैं, कितने उदाहरण हमने देखे, जब वो नौकरी के लिए आते हैं तो लाठियां खाते हैं। आशीष जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के युवाओं के साथ होने खेला जा रहा है, और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा, हमें करना होगा, क्योंकि विवेक जी तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, विवेक जी तो इन युवाओं को गाइड कर रहे हैं, उन्हें अपना जीवन यापन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं, वो एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। लेकिन उन युवाओं को यदि रोजगार नहीं मिलेगा, और तो उसके बाद ये युवा किस काम के हैं? ये युवा झंडा उठाने के लिए, त्रिशूल उठाने के लिए, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, विरोधी पार्टियों की गाड़ियां तोड़ने के लिए जैसा आसाम में हुआ, उनके पोस्टर्स फाड़ने के लिए, या मोदी जी के रैली में मोदी मोदी यार नारा लगाने के लिए? क्या युवाओं को इसके लिए ट्रेंड करने की जरूरत है? ये काम युवाओं से करवाना है, इसलिए उनको बेरोजगार रखा जा रहा है। यदि रोजगार युक्त होगा तो वो हाथ में त्रिशूल नहीं लेगा, वो पेन लेके अपना काम करेगा, फिर वो अपने ऑफिस का काम करेगा, वो फिर आपके नारे नहीं लगाएगा, वो ये गैर कानूनी काम नहीं करेगा, किसी के पोस्टर फाड़ना, किसी की गाड़ी तोड़ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरी नौकरी पे आ सकता है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, उसका एक स्टेटस होगा समाज में। यदि वो सब युवा करने लगा तो फिर इनके पास लोग कहां से आएंगे, क्योंकि इनके अपने बच्चे तो ये काम करने से रहे, इन्हें गरीबों के ही बच्चे चाहिए ये काम करने के लिए। तो क्या एक षड्यंत्र इस देश में चला जा रहा है कि रोजगार पूरा खींच लो, बेरोजगार की तादाद बढ़ा दो, बीच बीच में एक 5,000 का एक लॉलीपॉप देते जाओ ताकि कुछ कर रहे हैं, और फिर धीरे से इनको पूर्ण रूप से बेरोजगार मानसिक विकसित करने के बाद फिर उनसे ये काम करवा लो जो हमको करना है। एक हिंदू राष्ट्र के तहत हमको बनाना है, हमको ऐसी एक फौज बनानी है जो सवर्णों के चरण धोएगी
और पिछड़ों को निचले जमीन जो पिछड़े जाति वाले हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाएगी। ये मनुवादी संस्कृति लागू करने के लिए एक फौज चाहिए आपके पास। मैं तो सर तैयार करने के लिए आप खेल कर रहे हैं। मैं तो सर इसमें ही कहूंगा कि इसमें परेशान सब है, मतलब कि गरीब जो है ना वो उसका कोई जाति धर्म तो आप ऐसा समझिए सर कि हर व्यक्ति परेशान है। मतलब जब नौकरियां नहीं होती ना सर, माँ बाप घर में बैठे देखते हैं कि मेरा बेटा बेटी कुछ करके आएगा, सम्मान होगा, दो वक्त के चैन से खा पाएंगे, बुढ़ापे में अपना जीवन यापन, तो वो हर जगह आप गांव देहात में लोग दौड़ते हुए मिलेंगे, ठंडों में गर्मियों में तैयारी कर रहे हैं, एज निकलती जा रही है, चार चार पांच पांच साल तैयारी की होगी, वैकेंसी नहीं आ रही, मतलब क्या ही होगा उसमें। उससे अजीब जनरेशन आ रही है जिसके पास कोई होप नहीं है, शादियां लेट हो रही हैं लोगों की, कुछ नहीं है। आप उसको दिखा सकते हैं कि अमीर अमीर आदमी उसका धन इतनी संपत्ति बढ़ती जा रही है, बट वो ओवरऑल देश की मतलब सिचुएशन नहीं है कि एक आदमी अमीर होता जा रहा है, 10 आदमी अमीर होते जा रहे हैं, देश का 1% तबका अमीर होता जा रहा है, तो देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा। नहीं, वो देश उतना वो तरक्की नहीं कर रहा। तरक्की तो उसमें कि देश का प्रत्येक नागरिक तरक्की करे, हर एक व्यक्ति तरक्की करे, और उसके लिए कोई प्लान, उसके लिए कुछ ऐसा भी कुछ नजर आ नहीं रहा, बस यही है। विवेक जी, आप छात्रों के लिए 30 सेकंड का मैसेज इस प्रोग्राम में आप छात्रों के लिए दे दें, तभी हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद भाव से 30 सेकंड और फिर वाइंड अप करेंगे। 30 सेकंड आप छात्रों के लिए क्या आपका संदेश है, मैसेज है? मैं छात्रों से ये कहूंगा कि आप अपना सोशल मीडिया को पूरा अपना माध्यम बनाइए, अपनी बात रखिए, अपने माता पिता के साथ वीडियो बना के लाइव आके अपने MLA MP को टैग कीजिए कि अगर अब की बार आप वोट मांगने आएंगे तो सर हम आपसे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए हमारी नौकरियों के लिए क्या किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो सुनेंगे, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद वो आपके पास वोट मांगने जरूर आएंगे। तो आप सभी लोग अगर अपनी बात पहुंचा पाए उन तक सशक्त तरीके से तो जरूर आपकी मांग पूरी होगी। इसलिए संदेश आपका छात्रों के मुझे विवेक जी, मुझे पता नहीं आपने देखी कि नहीं कि एन चंद्रा की एक फिल्म आई थी अंकुश, जिसमें नाना पाटेकर और 5 बेरोजगार युवकों की कहानी थी। क्या हमारा समाज उस अंकुश की तरफ जा रहा है? क्योंकि बेरोजगार युवक 2 टाइम की रोटी के लिए फिर कोई भी काम करना तैयार शुरू करता है, और जब वो कोई भी काम करता है तो इस देश में अराजकता फैलाने वाले नंबर 2 के काम करने वाले लोगों के हाथ में एक रेडीमेड फौज मिलती है। जितनी बेरोजगारी देश में बढ़ेगी उतने रोजगार के अवसर इस 2 नंबर के सट्टा चलाने वाले, नकली दारू बेचने वाले, स्मगलिंग करने वाले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, इन तमाम चोरी करवाने वाले, फ्रॉड करवाने वाले, कॉल सेंटर फ्रॉड चलाने वाले, इन सभी के लिए आप लोग उपलब्ध करवाने का ठेका लेके रखा है सरकार ने। यदि आप सरकार नौकरी नहीं देती या नौकरी की व्यवस्था नहीं करती, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हमला होने जा रहा है, दूसरी तरफ नौकरियां बढ़ रही, नौकरियां उससे खतरे में जा रही है। लोग कहते हैं कि 40% नौकरियां खत्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से, रोजगार के अवसर सुकड़ते आ रहे हैं। सरकार के पास रोजगार के अवसर है, सरकार उसके साथ खेल रही है। और इस देश में सबसे युवा देश है भारत, सबसे युवा देश होने जा रहा है पूरे विश्व का। जहां पूरा विश्व को हम ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं, वहां हम सिर्फ मेंटली सिक लोग तैयार कर रहे हैं। ये एक आने वाले समय का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो युवाओं को यह भी बोलना होगा कि ये सारी पीड़ा, ये सारा गुस्सा एक हथियार में बदलिएगा। और बिल्कुल मैं विवेक जी को सैल्यूट करता हूं कि आप स्वयं युवा हैं और ऐसे में एक भड़कता हुआ खून ये बोल सकता था चलो रस्ते पर उतरेंगे, लेकिन आपने उनको कंट्रोल किया। सैल्यूट करता हूं मैं आपको, आपके जैसे लोग चाहिए इस देश को। यही टीचर है, चाणक्य की परंपरा आप चला रहे हैं। ये जो चाणक्य के नाम से जुगाड़ू जो हमारे देश में घूम रहे हैं ये फ्रॉड है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। इन युवाओं को एक बात जरूर कहनी होगी कि ये सारा गुस्सा 5 साल तक इकट्ठा करिए, और जब बटन दबाते हैं मशीन पे तब लाभा बन के बाहर निकलने दीजिए। वही सवाल होगा इन जवाबों का, क्योंकि ऐसे लोगों को इसी रास्ते से हटाया जा सकता है, ऐसे लोगों को इसी रास्ते से सबक सिखाया जा सकता है। क्योंकि आक्रोश पे लाठी मिलती है और जैसे करने के पे एक प्रसाद मिलता है मुंह मीठा करने के लिए। ये इस देश की परंपरा बनने जा रही है। आज मैं विवेक जी से भी कर रहा हूँ, विवेक जी जिनको विवेक सर नाम से तमाम बच्चे बड़ा प्यार करते हैं। आज ये
प्रोग्राम खत्म हम नहीं कर रहे, बस एक अल्प विराम है और इस मंच से ये न्यूज लॉन्चर की तरफ से ऐलान है कि ये मंच इस देश के युवाओं और छात्रों के लिए पूरी तरह जिस तरीके से भी संघर्ष करना होगा, आवाज उठानी होगी, आपकी आवाज बनने की जरूरत होगी, तो ये मंच, ये न्यूज लॉन्चर और इस न्यूज लॉन्चर पर चाहे मैं हूं चाहे भावू हैं, हम लोग जब भी युवाओं और छात्रों के लिए जब भी इस मंच पर खड़ा होना होगा, आवाज बनना होगा, बनेंगे, किसी भी कीमत पर बनना होगा, बनेंगे और आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। अभी इस ऐलान के साथ ही अब प्रोग्राम खत्म नहीं कर रहा हूं, मैंने इसलिए कहा अल्प विराम है, बस अल्प विराम है और जब जब होगा विवेक जी बताएंगे, क्योंकि छात्रों के टच में लगातार रहते हैं, हजारों लाखों छात्रों के, जब भी युवाओं का कोई मुद्दा हो तो आप हमें तत्काल पूरे हक के साथ, पूरे हक अधिकार के साथ आप हमें तत्काल सूचित कर सकते हैं कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे की गंभीरता ये है और इस मुद्दे पर आवाज उठाने की जरूरत है, हम तत्काल खड़े रहेंगे। हम यानी भाव भी है, हम भी है, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए, इस देश के युवाओं के, क्योंकि हम इस देश के भविष्य के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, भविष्य के। फिलहाल अल्प विराम, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आप हमारे साथ भी जुड़े और आगे भी आप इस मुहिम में लगे रहेंगे। भाव धन्यवाद आपका। धन्यवाद।